सियासी गर्मी लगता है नेताओं के सर पर कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। तभी तो आजकल नेताओं के मुंह में जो आ रहा है बस वो बोलते जा रहे हैं। वो बोलते समय ये भी नहीं सोच रहे कि आखिर वो किसके लिए बोल रहे हैं। सीधा सीधा कहें तो लोकसभा चुनाव के परवान चढ़ते ही नेताओं की बयानबाजी और भी तेज हो गई है। चुनावी गर्मी बढ़ने के साथ साथ नेताओं के बीच आपस में जुबानी जंग भी बहुत तेज होती जा रही है। वो अपनी बयानबाजी और आलोचनाओं की सारी सीमाएं लांघ रहे हैं और उनके बयानों का जो स्तर है वो धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। दरअसल पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी यानी पीआरपी के नेता जयदीप कावड़े ने स्मृति ईरानी की बिंदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्मृति ईरानी गडकरी के बगल में बैठकर संविधान बदलने की बातें करती हैं। मैं आपको ईरानी के बारे में एक बात बताता हूँ, वह अपने माथे पर एक बड़ी बिंदी लगाती हैं। और किसी ने मुझे कहा था कि जब कोई महिला अपने पति लगातार बदलती है तो उसकी बिंदी का आकार भी बढ़ता जाता है। और स्मृति ईरानी को याद रखना चाहिए कि संविधान बदलना पति बदलने जितना आसान नहीं होता। स्मृति ईरानी ताई एवढं मोठं कुंकू का लावता हो? मग एका जणाने आम्हाला सांगितलं जेवढे नवरे बदलतात तेवढे कुंकू मोठं मोठं होत जाते। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि जयदीप जब ये बयान दे रहे थे तो पीछे कई नेता बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने भी जयदीप को रोकने की कोशिश तक नहीं की। बल्कि अब वीडियो में देख रहे होंगे कि नेता हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत भेजी और लिखा कि जयदीप कावड़े ने कहा है कि जो महिलाएं बड़ी बिंदी लगाती हैं वे लगातार अपने पति बदलती रहती हैं। उन्होंने यह स्मृति ईरानी के संबंध में कहा था, लेकिन ये सभी महिलाओं का घोर अपमान है, इसलिए उनके खिलाफ मामला दर्ज होना ही चाहिए। बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें अभी तक इनकी पार्टी के बारे में पता भी नहीं होगा, तो हम उनको बता दें कि महाराष्ट्र से आती है जयदीप की ये पार्टी जिसका नाम है पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी। भीमराव अम्बेडकर की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से अलग होकर बनाई हुई एक पार्टी है। पीआरपी केवल महाराष्ट्र तक ही सीमित है। जयदीप पार्टी के मुखिया हैं। वैसे स्मृति ईरानी कोई पहली महिला नहीं है जिनके ऊपर ऐसी बयानबाजी हुई हो। मायावती, प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी को लेकर भी चुनावी बयानबाजी हो चुकी है। समझ में नहीं आता कि सत्ता का लालच इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि जिसमें आप महिलाओं का सम्मान करना भी ना जाने हों और आप अपनी ही चुनावी रैलियों में महिलाओं के सम्मान को एक मुद्दा बनाते हो। राजनीति में अपनी जगह बनाना ठीक है, आरोप प्रत्यारोप भी चलता रहता है विपक्षी पार्टियों के बीच में, लेकिन राजनीतिक शिष्टाचार नाम की भी कुछ चीज होती है जो शायद ये नेता सत्ता के लालच में चूर होकर आज भूल चुके हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें, सी फर्स्ट करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमसे जुड़ी सारी नोटिफिकेशन तुरंत पाएं।